सबसे पहले मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था 2008 में। पहले मुझे एक्सपोजर नहीं था उतना मार्शल आर्ट्स का, तो मुझे लगता था कि पंच स्ट्रेच और जैसे वो फ्लिप्स वगैरह करते हैं इतना ही मार्शल आर्ट है। जब और मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ तक कि यहाँ तक 13 गोल्ड मैंने निकाले नेशनल डिफरेंट जो लेवल्स हैं। जो डिफरेंट कैंप मैंने मोहाली वगैरह में किए, दिल्ली वगैरह में किए, वहाँ से सीख सीख कर और जिजुत्सु के मैंने चंडीगढ़ वगैरह में इंडियन टॉप टीम से जो लेसन वगैरह लिए, तो उनको इकट्ठा करके मैंने एमएमए की जो ये सारा कुछ प्लेटफॉर्म ये मैंने तैयार कर लिया। माई नेम इज़ नदीम यूसुफ, आई एम फ्रॉम मुरन पुलवामा। मैं ये मार्शल आर्ट्स कुछ 3-4 महीने से खेल रहा हूँ, जो कि हमारे ओएस भैया हैं, उन्होंने वही हमें यहाँ पे सिखाते हैं। इस वक्त जेएनके में खाली हमारा ही एक क्लास है जहाँ पे मिक्सड मार्शल आर्ट की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है कि जिजुत्सु होती है, रेसलिंग होती है। घरवालों का भी सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा। और पहले पहले घर वाले बोलते थे कि आप, मतलब उनको उतना पता नहीं था, मुझे पता नहीं था उतना ज़्यादा, तो उनको कहाँ से पता होता, उनको भी उतना ज़्यादा एक्सपोजर नॉलेज नहीं थी इस बारे में। फिर जब मेरे अचीवमेंट्स आए, मैंने गोल्ड निकाले, मैंने स्टेट नेशनल रिप्रेजेंट किया, उसके बाद घरवालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और घरवालों ने बोला प्रोफेशन ही अपना चूज़ ये कर लो। सर, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इसका ब्रदर हूँ, तो मुझे लगता है कि किस्मत से ही ऐसा ब्रदर मिल सकता है। तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम जब ये प्रैक्टिस करता था घर पे, तो मुझे लगता था कि उस टाइम क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी मार्शल आर्ट्स की, तो घर वाले भी उस टाइम कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं। मेरा ये बचपन का सपना था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं, खेलूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता था कि जो मुझे सिखा सके मार्शल आर्ट की टेक्निक्स वगैरह। तो फिर जब हमें पता चला कि ओएस भैया के मार्शल आर्ट हमें सिखाते हैं, अपने यही लोकेलिटी में मिल रहे हैं, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी रिसेंटली जो हमारा नेशनल हुआ था मणिपुर में, वहाँ से मैंने गोल्ड जीता है और सारा क्रेडिट ओएस भैया को ही जाता है। अब मुझे आगे जो है जो मई में कंपटीशन होने वाले हैं और मैट्रिक फाइट नाइट के लिए वो आईएमएन नेशनल होने वाले हैं, जो यहाँ पे नए नए लड़के मैं भी तैयार कर रहा हूँ, उनको भी मैं लूँगा एज एमेच्योर। वहाँ पे जो कंटेंडर सीरीज़ होने वाली है वहाँ पे होगा और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह मैट्रिक फाइट नाइट के लिए और इंडिया में सबसे टॉप लेवल पर आ जाएंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल और यूएफसी में जाएंगे।